ये बहुत ही फर्जी दूध है। इसका हम लोगों ने मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट भी किया था, जिसमें भी ये बहुत पुअर क्वालिटी आया है। इलेक्ट्रोमीटर है, इसकी जरिए से हम पता करते हैं दूध की इसमें पानी। हाँ, अभी देखते हैं कितना इसका रीडिंग आता है। जो रीडिंग होती है वो 29 के नीचे होना चाहिए। कितनी है? 35 है ना? हाँ 35 है। 35 इसकी रीडिंग आ रही है। ये बहुत ही फर्जी दूध है। इसका हम लोगों ने मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट भी किया था, जिसमें भी ये बहुत पुअर क्वालिटी आया है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट होता क्या है, इसे एमबीआरटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी देखा जाता है रॉ और पॉस्चराइज्ड मिल्क का। रॉ मिल्क मतलब होता है जो हम गाय भैंस से निकालते हैं घर का जो दूध होता है, और पॉस्चराइज्ड मिल्क वो होता है जो पॉस्चराइज हम लोग घर पर भी कर सकते हैं अपने रॉ मिल्क को, बट अधिकतर जो पैकेट में दूध आते हैं वो पॉस्चराइज्ड मिल्क ही होते हैं। तो हम लोगों ने यही पॉस्चराइज्ड मिल्क ही लिया था, उसकी क्वालिटी खराब आई थी उस ब्रांड की, तो और रॉ मिल्क की अच्छा आई थी। तो ये देख लीजिए, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ब्लू कलर ऑफ द डाई सोल्यूशन एडेड टू मिल्क गेट डी कलराइज वेज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन मिल्क गेट एक्सक्यूज ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। इसमें कह रहा है कि जो हम लोग मेथिलीन ब्लू जो सोल्यूशन होता है उसको जब हम मिल्क में मिक्स करते हैं तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से जब उसमें ज्यादा माइक्रोब्स होंगे तो वो उसके कलर को डीकलराइज्ड जल्दी करेंगे। इसीलिए जो हमारा ये आप देख पा रहे होंगे जो पास्चराइज्ड मिल्क है इसका कलर जल्दी उड़ गया था, और जो हमारा रॉ मिल्क था उसमें अच्छा क्वालिटी था, उसमें माइक्रोब जो बैक्टीरिया होते हैं वो कम थे, इसलिए उसका कलर जल्दी नहीं उड़ा। हम यहाँ पे देखिए ये टेस्ट, ये देखो, ये हमने जो है रॉ मिल्क लिया था, मतलब हमारे यहाँ जो गाय है उसका दूध है। तो मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट में होता यह है कि हम लोग एक मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन होता है उसको 10 ml दूध में टेस्ट ट्यूब में करके डालते हैं, उसके बाद उसको वाटर बाथ में 37 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। तो जिसका कलर जल्दी उड़ जाता है उसका मतलब वो दूध उतना ही ख़राब है। और हम लोगों का ये जो रॉ मिल्क है इसमें अभी इसका दूध का कलर उड़ा नहीं है, इसका देखिए निकलता जा रहा है। ये बीच वाला है पास्चराइज्ड मिल्क है, मतलब ये वही जो हमने पैकेट वाला है इसका देखिए कितना तेज़ से उड़ रहा है, जो गाय का दूध है उसका नहीं उड़ रहा है। और ये इसके जो आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं ये हमने गर्म किया है दूध भाई। तो गाइज मेरे बताने का मतलब यही था कि आप लोग जो पैकेट का दूध लेते हैं उसका आप लैक्टोमीटर से रीडिंग ले सकते हैं कि उसमें जो हम दूध ले आ रहे हैं पैकेट से यार हमारा जो दूध वाला आ रहा है देने के लिए, अगर आपके दूध में पानी ज़्यादा मिक्स रहेगा तो जब आप लैक्टोमीटर उसमें डालेंगे तो लैक्टोमीटर काफ़ी डूब जाएगा। अगर आप पानी में लैक्टोमीटर डालते हैं तो डूब जाता है, और दूध में डालते हैं तो थोड़ा सा रुक जाता है। उसमें जो रीडिंग होती है ऊपर 0 से लेकर नीचे की तरफ बढ़ती है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। उसमें 29 पे एक रेड कलर बना होता है, उस पर उसके नीचे मतलब 29 जो रेड कलर है अगर दूध में डूब जाता है तो मतलब उसमें पानी की मात्रा है, क्योंकि गाय में पानी गाय हल्का का दूध हल्का होता है तो उसमें 29 नीचे चला जाता है। और अमूल का जो दूध आता है काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं तो उसमें जो है 32 के लगभग उसकी रीडिंग होती है इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग। तो यही बताना था। और जो बहुत सारे मार्केट में दूध आ रहे हैं, हमने भी एक ब्रांड का भी टेस्ट किया है, MBRT टेस्ट किया है, प्लेटफॉर्म टेस्ट होता है, तो उसमें मिला है कि वो दूध बहुत ही पुअर क्वालिटी का, हमारा जो रॉ मिल्क गाय भैंस निकाला था गाय से वो काफ़ी अच्छा दूध था। तो यही बस बताने के लिए ये वीडियो था। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने घर पर जो दूध लेते हैं उसका भी MBRT टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे दूध की क्वालिटी सही है कि नहीं। अच्छा, आपको बता दें MBRT टेस्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप MBR सोल्यूशन आता है उसको दूध में मिक्स किया जाता है, अगर वो 5 घंटे से ज़्यादा के बाद वो डीकलराइज होता है तो मतलब आपका दूध बहुत ही अच्छा है। अगर वो आधे घंटे के अंदर ही उसका कलर एकदम चला जाता है, मतलब पूरी तरीके से दूध ब्लू से वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आपका दूध बहुत ही ख़राब है। अगर 1 से 2 घंटे में जाता है तो उसको फेयर है, या फिर 3 से 4 घंटे में ज़्यादा गुड है, और 5 घंटे के ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से इसका मानक है, इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं।